और ओबडी स्टार में आज आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर 2019 मॉडल, जिसकी लॉस्ट केस की प्रोग्रामिंग हम करेंगे आज अपने KMD DP5 की मदद से। इसके अंदर एक हमने KD का रिमोट इंस्टॉल किया है और एक हमने ओरिजिनल चाबी प्रोग्राम करनी है। तो ये चाबियां जो है वो ओरिजिनल शेप की चाबी बिना रिमोट के, तो ये आज हम करेंगे अपने KMD DP5 के जो नया अपडेट आया है मारुति सुजुकी का, उसकी मदद से। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करना है। गाड़ी के अंदर एंटर होने के बाद आपको OBD कपलर बिल्कुल डैशबोर्ड के नीचे इस लोकेशन पे मिलेगा, जहाँ पे आपको अपने KMD DP5 के OBD कनेक्शन को जोड़ना है, जिसके बाद आपका DP5 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा DP5 कनेक्ट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तक मेरी दोनों चाबियाँ जो हैं वो एक्टिव नहीं है, और हम दोनों चाबियों को हम एक्टिव करेंगे। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जो ताली की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, ये लॉक लाइट ब्लिंक कर रही है। मैं चाबी चेंज कर रहा हूँ, ये चाबी चेंज करने के बाद भी मेरी यहाँ पे लॉक लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो आइए देखते हैं वैगनर 2019 मॉडल की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क के साथ जोड़ना है, जो नेटवर्क सही हो। उसके बाद हमें डाइक प्रोग्राम के अंदर जाना है। डाइक प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद नया मेन्यू आया मारुति सुजुकी। एक बार ही मैं आपको ये नया मेन्यू भी पूरा दिखा देता हूँ। ये मारुति सुजुकी में हम गए, VCI हमारा अपग्रेड हुआ। इसके बाद सारा मेन्यू जो है वो आपको बकायदा बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन के साथ मिल गया है। जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम व्हीकल में जाते हैं, तो इसमें हमने सारी गाड़ियाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाल दी है, विथ ट्रांसपोंडर KMD ID। तो ये मैं बलिनो के अंदर जाता हूँ, ब्लेड के अंदर जाता हूँ, ये दिखा रहे हैं बलिनो के अंदर 556 हैश जो स्पेशल 47 है उसका ट्रांसपोंडर हमें यूज़ करना है। फिर मैं वापस जाता हूँ, मैं आपको जो है वो स्विफ्ट का दिखाता हूँ। ब्लेड और प्रॉक्सिमिटी का मतलब है ब्लेड में नॉर्मल चाबी, प्रॉक्सिमिटी में स्मार्ट की। ब्लेड में जाता हूँ तो यहाँ पर 5 टाइप की स्विफ्ट आती है, जिसके अंदर पहले टाइप में आप 020 हैश KMD का ट्रांसपोंडर लगा सकते हो, टाइप 2 में आप 021 हैश लगा सकते हो, टाइप 3 जो डीजल है उसके अंदर आपको 729 हैश या 1264 हैश लगा सकते हो, टाइप 4 जो 12 से 18 है उसके अंदर आप 852 हैश या 1286 हैश लगा सकते हो, टाइप 5 में आप 853 हैश लगा सकते हो। तो बकायदा आपको सारी डिटेल KMD नंबर वाइज स्पेशल ट्रांसपोंडर्स की भी इसी के अंदर मिल गई है, जो आपके लिए बहुत ईजी कर देगा काम करने को। अब इसको हम एस्केप करेंगे। अभी हमारे पास गाड़ी है वैगनर, तो वैगनर अभी 2019-2020 तक कितने मॉडल्स की आई है। तो ये आई है टाइप 1 जो ID65 सबसे पहला टाइप था, उसके बाद आई टाइप 2 जो ID46 था 021 हैश या 1050 हैश जो, और तीसरा टाइप अब ये लेटेस्ट वाला है जो है ID47, जिसमें आप 853 हैश का ट्रांसपोंडर भी लगा सकते हो और 1776 का ट्रांसपोंडर भी लगा सकते हो। तो मैं टाइप 3 में जाता हूँ, टाइप 3 में जाने के बाद मेरे को प्रोग्रामिंग कीज़ में जाना है, मैंने एंटर दबा दिया। अब विदाउट पिन में जाना है, विदाउट पिन में चले गए, स्विच इग्निशन ऑन, हमारा इग्निशन अभी ऑन है, हमने ऑन कर दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस हो गया। ये कह रहे जब पहले चाबी सारी चाबियाँ पुरानी क्लियर हो जाएंगी फिर नई चाबी प्रोग्राम होगी, हम फिर दोबारा एंटर प्रेस कर देंगे। वो कह रहे द फंक्शन इज सूटेबल बाय कनेक्टिंग द सर्वर, हमारा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम एंटर दबा देंगे। अभी सर्वर कनेक्ट हो रहा है हमारा, ये हमारा सर्वर जो है वो कनेक्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं इंसर्ट द की टू बी प्रोग्राम्ड एंड टर्न इग्निशन ऑन, हमारा इग्निशन अभी ऑन है, हम एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ऊपर से आप जब सिलेक्ट करोगे, मैं आपको दिखाने वाला था कि यहाँ पे आपका जो वाईफाई है वो कनेक्टेड नेम आता है कि कौन सा वाईफाई कनेक्टेड है, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये कम्युनिकेटिंग हो रही है, अभी कह रहे हैं जीरो कीज़ हैं क्योंकि इसने सारी चाबियाँ इरेज कर दी, फिर कह रहे हैं जीरो कीज़ हैं, फिर चाबी सारी इरेज कर दी। अब प्रोग्राम सक्सेस दिखा रहा है, बट आपको एंटर दबाना है क्योंकि अभी तक जीरो चाबियाँ थी। हम अब ये हमने इंसर्ट न्यू की जो हमारी ऑलरेडी एंटर है,
इसको हम फिर दोबारा एंटर दबा देंगे, नंबर ऑफ करंट कीज वन हो जाएंगी हमारी। फिर उसके बाद हमारे को सेकंड चाबी प्रोग्राम करनी है, हम एंटर दबाएंगे। अभी कह रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन, हम एंटर दबाएंगे। पर उसके लिए हमें पहले जो है वो अपनी चाबी एक्सचेंज करनी है। ये हमारी पुरानी चाबी थी, ये हमने निकाल दी, मतलब कि जो चाबी ऑलरेडी प्रोग्राम हो गई थी उसको हमने निकाल दी और दूसरी चाबी हमने डाल दी। फिर इसके बाद फिर दोबारा हम एंटर दबा देंगे। वो कह रहे हैं इंसर्ट नेक्स्ट की एंड स्विच इग्निशन ऑन, हमने अभी अभी डाली है। फिर दोबारा एंटर दबाएंगे, नंबर ऑफ कीज टू हो जाएंगी हमारी। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है और चाबी प्रोग्राम करनी है, हमने कहा नहीं दो चाबियाँ ही प्रोग्राम करनी है, तो हम एस्केप दबा देंगे। एस्केप दबाने के बाद हम बाहर आ गए, हमारी दोनों चाबियाँ जो है वो सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गई। मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम हमारा फिनिश हो गया। ये चाबी एक बार बाहर निकालनी है और फिर एंटर करनी है। ये देखो मेरी लॉक की लाइट जो थी ब्लिंक कर दी थी, ये ब्लिंकिंग स्टॉप हो गई। मैं अब इग्निशन जो है वो क्रैंक करूँगा, क्रैंकिंग करने के बाद मेरा इग्निशन स्टार्ट हो गया। ये मैं रेस भी मार के दिखा रहा हूँ। दूसरी चाबी से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जो प्रोग्राम करी है हमने। ये दूसरी चाबी को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरी चाबी को लगा रहा हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर मेरी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो गई, मेरी लॉक की लाइट जो ब्लिंक कर रही थी वो भी चली गई। तो KMD DP5 की मदद से हमने 2019-2020 मॉडल जो हमारी वैगन आर है 47 ID वाली, जिसमें 853 हैश का ट्रांसपोंडर या आपका 1776 हैश का ट्रांसपोंडर लगेगा और वो सक्सेसफुली आप जो है वो KMD DP5 की मदद से प्रोग्राम कर सकते हो। ये हमारी वैगन आर है 2019-2020 मॉडल, जिसकी आज हमने की प्रोग्रामिंग करी है अपने KMD DP5 की मदद से। तो आप जल्द से जल्द अपना KMD DP5 बुक करो, इसको यूज़ करो और KMD की सर्विस और नए नए अपडेट्स की सुविधा और लाभ पाओ। धन्यवाद, जय हिंद। KMD कीज की नई वीडियोस के लिए पहले YouTube खोलिए, फिर उसके बाद सर्च के कॉलम के अंदर KMD टाइप करिए। आपको यहाँ पे KMD के लोगों के साथ एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को प्रेस करें। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबाओ, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाओ। इसके साथ आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।